मश कर लेना तो जेड़े मतलब सिर पर सीटा उट सटानी होंगे तो गई जी। ये है जी इसका शवारमा काउंटर। ये तो कितनी देर बाद पानी आ जाता रावी का पानी हर गर्मी के बीच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासिर लतीफ। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं वो अपने दोस्त को मिलने हैं। वो उसने दुकान बनाई है करियाने की और शवारमे की, वहाँ पे मिलने जा रहे हैं। तैयारी श्यारी करके आए हैं तो वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ का व्यू करवाते हैं आपको। तो गाइस अभी हम रुके हैं यहाँ पे रास्ते में। पूरे पंजाब में बारिशें हो रही हैं तो यहाँ पे हम यहाँ रुके हैं पानी पीने के लिए। ये ट्यूबवेल चल रहा है और यहाँ पे अभी पीते हैं पानी। ऊपर वाली साइड पे देखेंगे ट्यूबवेल के साथ ही इन्होंने समोसे पकौड़े वगैरह लगाए। तो प्यास मुझे लगी हुई थी, मैंने कहा कि पानी पीते हैं उसके बाद चलते हैं। तो ये जो रोड है ना रास्ते में यहाँ से संधी लेने वाली से अब्दुल हकीम तक, यानी ये सारा टूटा हुआ है, ख़राब है सारे का सारा। तो वहाँ पे जाना भी मुश्किल है, ऊपर से आज मौसम भी। यहाँ पे अभी इस बच्चे ने हमें रोका है। हाँ जी छोटे दसो, चंदा लेने मदरसे? चंदा एक इस मदरसे वास्ते है। मदरसे बना रहे केड़ा? वो देखे जी वो बन रहा है मदरसा। तो यहाँ पे ये बच्चा खड़ा है तो ये मदरसे का चंदा ले रहा है। इसके हाथ में पैसे पकड़े हैं ये झंडा दे, ये ऐसे दिखा के यहाँ पे रोड से लोगों को रोक रहा है। गले दे विच नहीं जिन्हें पाना होंदा पा जांदा गले च पा जाना चंदा। ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਭਾਈ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੱਤ ਪਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜ ਰਹੇ ਆ ਮਦਰਸੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਸੀ ਜੇ ਮਦਰਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਦਰਸਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। गाइस अभी हम जा रहे थे यहाँ पे तो कद्दू कर रहे हैं, यानी ये बैलों के साथ। हमारे एरिया में तो ऐसे नहीं होता तो इस वाली साइड पे कर रहे हैं। मैं आपको वो व्यू करवाता हूँ। A few moments later.
बाल देखी नाल बना रहे हो। देख सकते हैं ये पंजाब का कल्चर, आपको पता है कि हर साइड पे इस दिनों में राइस यानी ये पनीरी लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये अभी रास्ते में अभी हम रुके हैं, ये भाई लगा रहे हैं। तो इधर वाली साइड पे ये देखें जी गठरियाँ बनाई हुई हैं, तो गठरियाँ फेंकी हुई हैं, ठीक है। ये भाई अभी पता नहीं क्या सीन है इनका, क्या कर रहे हैं। ये देखें जी इसने शॉप बनाई है, इधर चारपाई पड़ी है एक, ठीक है। तो इसमें हैंड फ्री पड़ी है, ठीक है। तो ये शवारमे वाला एक नान पड़ा है, वो क्या कहते हैं उसको, डबा रोटी वो पड़ी है। उसके बाद ये क्या पड़ा है, ये भी ब्रेड ही है यानी, ये देखें जी। इसके बाद ये फ्रीज़र है इसका, बोतलें पड़ी हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, अंडे अभी आता है तो आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है जी इसका शवारमा काउंटर, देखें जी यहाँ पे ये लगा के दे। तो गाइस ये बंदा था जिसको मलवाना था आपसे, तो ये आपने पहले भी मेरी वीडियो में देखा होगा एक दो बार, ठीक है। आवास पीर महल थे तब हमने वीडियो बनाई थी, तो आज हम तकरीबन 30 किलोमीटर का सफ़र करके इसको मिलने आए हैं। स्पेशल इसने दुकान बनाई है, तो ये गिला करता रहता था कि आप आते नहीं हो। कौन हो मैम, मैम ले लो भाई, थोड़ा पढ़ाओ थोड़ा जल्दी आ। हां देखिए आप कोठी भी तैयार हो गए, अंदर का नाम नक्शा बनाया बड़ा आ जड़ी ओ बनी है, आप बन रही है जड़ी। बस बस ओ बस ज्यादा मांग रहे 3 लाख रुपए मरला दे फ्रंट ओ जड़ी आ हा हा कॉर्नर वाली ते ओदा की रेट ओ वाली लाख तेर केड़ा जाता 70 700 जी। इसने पानी में कलर डाल के बाहर लटकाया हुआ है सिर्फ इस वजह से कि लोगों को पता चल जाए कि इसके पास पेट्रोल अवेलेबल है। A few moments later. यहाँ से रावी यानी थोड़ी दूर ही है, तो हम वहाँ पे तो नहीं जाएंगे, अभी अंधेरा हो जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको कह रहे हैं ये बंद साइडों पे यानी खेत हैं, यहाँ पे रावी का पानी भी आता है, ठीक है। जब यानी ओवरलोड हो जाता है ना पानी, तो यहाँ तक भी आ जाता है। आवाज़ कितनी दूर है इतों रावी? इतों रावी थोड़ी दूर आ, तकरीबन 5-6 किले तो अगर रावी स्टार्ट हो जाती है, जो रावी पानी आता ना फुल, ठीक है। आज फसल देख रही हैं कई कमाद, इतने बहुत ज़्यादा कमाद होंगे, लेकिन हूँ जा हूँ देखो तो कमाद कितने कितने तुम दूंगा, कमाद घट हो गई है, इतने बल के नाल पानी लग जाता वा, तोड़ तक पानी पानी इतने तक, तो लोगों दिन सारिया फसलों तबाह हो जाए, बहुत ज़्यादा लोगों की फसल जी हो कई बेचारे दसलां डुब जाए। कि देर बाद पानी आ जाता रावी का? पानी हर गर्मियों के हर साल आंदा, लेकिन पानी एक इदा सोलंग तूर तक लगे पट हो जाए, इतने बन के ना काफ़ी मरतबा खतरा रहता, एक बन ना टुटे जाए पिंड पानी ना पाए पिंड ही है।
ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਠੀਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ ਕਈਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਮੀਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਜੋ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੀਚੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਡ ਕੋਈ 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਇਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਸੇ ਹਮ ਗਾਓ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਉੱਚੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਇਸਕੋ ਬੰਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਖੇਤੋਂ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡੋਂ ਪੇ ਰੋਡ ਊਚਾ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਜਬ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਤਾ ਹੈ ਇਸਕੋ ਰੋਕ ਲੇਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਗਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।